और वहीं रात के समय मकानों में चोरी करने वाले दो शातिर नकबजनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अरावली विहार थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने सोमवार को मिनी सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आरोपियों द्वारा करीब 3 दर्जन वारदातें कबूल की गई हैं। पकड़े गए आरोपी कादर और साहिल शहर के विभिन्न स्थानों पर हुई 19 चोरियों में शामिल थे। इसके अलावा बदमाशों द्वारा 16 वारदातें और कबूल की गई है। सोने मकानों की रैकी करने के बाद यह आरोपी चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। देखिए, पिछले कुछ समय से शहर में सूने मकानों में नकबजनी की वारदात हो रही थी और उसको खुलासे के लिए एक विशेष टीम को लगाया गया था, जिन्होंने 2 लोगों को अभी पकड़ा है। एक का नाम है कादर पुत्र बीरबल, उम्र 22 वर्ष, जो सामोला का रहने वाला है, और दूसरा है साहिल पुत्र असलम, जो उम्र 19 वर्ष, जो सामोला का रहने वाला है। इन्होंने बताया कि इनका एक गैंग है जिसमें करीब 10-12 मेंबर्स हैं और इन्होंने पिछले 5-7-10 महीनों में जो सूने मकानों में काफ़ी चोरी नकबजनी की वारदात की है। इन्होंने कुल लगभग 33 वारदातें कबूल की है। 33 में से 19 वारदातें तो ऐसी हैं जो शहर के 3-4 पुलिस थानों में दर्ज हैं और बाकी जो है उनका वेरीफाई किया जा रहा है कि कहाँ दर्ज है, या हो सकता है कई बार क्वांटम छोटा होता है, लोग दर्ज नहीं कराते किस कैटेगरी में। तो अभी हमारा प्रयास रहेगा कि इन लोगों को रिमांड पे लेके इनके बाकी गैंग मेंबर्स का नाम हम क्लियर करें, उनको अरेस्ट करें और उसके बाद जो लोगों का सामान है वो आगे इन्होंने कहाँ बेचा है उसका पता करके अधिक से अधिक सामान की रिकवरी कराई जाए। तो ये गैंग एक ही गांव से ऑपरेट हो रहा था, एक ही गैंग मतलब? हाँ, ये एक ही गांव से ऑपरेट होने वाला गैंग है जो सिटी से लगता हुआ सामोला गाँव है, अरावली विहार थाने में पड़ता है। देखो, इन्होंने 19 वारदातें तो ऐसी हैं जो दर्ज है, FIR दर्ज है। जैसे ये अभी 18 तारीख को झनकार होटल के सामने नमन होटल के वाली जो वारदात हुई है वो, फिर 17 तारीख को तुलेड़ा मोड़ के पास मकान में नकबजनी, फिर खुदनपुरी के पास के सामने जोड़ के पास कोठी में नकबजनी, फिर उसके बाद सामुदायिक, फिर एक CCTV में नीला टेम्पो दिखता है एक चोरी में, वो वाली चोरी, फिर सामुदायिक भवन भगवान नगर अम्बेडकर नगर में नकबजनी, फिर सूर्य नगर साफिया हॉस्पिटल के सामने एक मकान में चोरी, फिर उसके बाद अयान होटल के पीछे बड़ी कोठियों में नकबजनी, फिर टेल्को चौराहे के पास पुल जिससे बाजार की तरफ चढ़ते हैं उससे पहले दाहिने हाथ वाली गली में रात्रि को नकबजनी, फिर शालीमार के सामने विज्ञान नगर वाली नकबजनी, फिर इकराना के जो सेल्फी गेट है उसके पास नकबजनी, फिर अयान हॉस्पिटल के पीछे कॉलोनी में नकबजनी, गुर्जा रोड पर मेवों की होटल जमजम के पीछे नकबजनी, अंबेडकर नगर से BJP कार्यालय के पीछे मंदिर वाली गली में नकबजनी, मुंगस्का में सेंट एंसलम स्कूल के पीछे मकान में नकबजनी, बालका से बेलाका की तरफ जंगला तोड़कर नकबजनी, सद्दाम होटल के पीछे भगवान नगर NAB में नकबजनी, पुल के पास कर्मचारी कॉलोनी शिवाजी पार्क में नकबजनी, ग्राम डोली खेड़ी रामगढ़ में नकबजनी, मोहर्रम के दिन बाजार से मोटरसाइकिल इन्होंने चोरी करी। इसमें सर, इसका गैंग का सरगना कौन बता रहे थे आप? कादर। हाँ।